2024 से पहले सभी बहुजन राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने के लिए बहुजन शायर अभिषेक जाटव ने उठाया बीड़ा। आने वाली 23 जुलाई से बाबा साहेब की जन्मस्थली इंदौर महू से यूपी के रास्ते दिल्ली जंतर मंतर तक करेंगे पैदल मार्च। बहुजन जागो मोर्चा अभियान के तहत सभी बहुजन समर्थकों से की साथ आने की अपील। इस अभियान की शुरुआत करने वाले अभिषेक जाटव का मानना है कि टुकड़ों में बिखरी बहुजन राजनीति कभी सफल नहीं होगी। अभिषेक जाटव का मानना है कि देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर बहुजन नेता एक मजबूत विपक्ष ना बना सके तो बहुजन राजनीति आने वाले समय में सिर्फ किताबों के पन्नों में महज इतिहास बन के रह जाएगी। देखना यह होगा कि बाबा साहेब के जन्मस्थल से शुरू होकर दिल्ली जंतर मंतर तक बहुजन जागो मार्च आवाज बहुजन नेताओं तक पहुंच पाती है कि नहीं, किसी भी राजनीति दल की तरफ से इसकी कवायद शुरू होगी या नहीं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम आवाज उठा रहे थे, वो आवाज थी कि बहुजन नेताओं साथ आओ। इसका पूरा मैनिफेस्टो हमने लाइव वीडियो के माध्यम से और इंस्टा रील के माध्यम से आपको बताया था। इसके लिए हमने एक ऐलान किया था कि बहुत जल्द बहुजन नेताओं को साथ लाने के लिए बहुजन जागो मार्च लेकर एक बहुत बड़ा संघर्ष लेकर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। साथियों, एक क्वेश्चन मार्क हमने छोड़ा था कि ये बहुजन जागो मार्च आखिर कहां से शुरू होगा और कब शुरू होगा। साथियों, हम फूले पेरियार लड़े सिंह यादव मान्यवर कांशी राम साहब और अम्बेडकर के मूवमेंट को पिछड़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। बहुजन नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कमी सिर्फ एक है कि हम लोग तमाम पार्टियों और दलों में बटे हुए हैं। आज समय है अपने विरोधियों को एकजुट होकर ताकत दिखाने का। 2024 के इलेक्शन में साथ नहीं आए तो शायद साथ आने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कमी एक है कि आप एकजुट नहीं। साथियों, बहुजन जागो मार्च बहुजन नेताओं को साथ लाने के लिए इसकी शुरुआत 23 जुलाई को बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली डॉक्टर अम्बेडकर नगर यानी कि मऊ से हम लोग करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से तो होते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश आएंगे और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से होते हुए हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे। साथियों, ये बहुत बड़ा संघर्ष है, इस संघर्ष में आप सभी का साथ चाहिए।